आने से पहले टीका लगवाने से पहले मुझे दो जने उठाते थे और एक का सहारा लेके मैं चल पाता था, वैसे चल नहीं पाता था। अभी चलने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, अभी मैं पहले तो दो कदम भी चल नहीं पाता था, अब मैं तकरीबन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर चल सकदागा, चाहे 5 तो 6 किलोमीटर मैं तुर भी लेना और दो दो घंटे खड़ भी जाना। तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू तंदुरुस्त किया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीपिका, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर पटौदी। फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो पेशेंट है मिस्टर परमजीत, ये पंजाब से आए हैं। इनको पिछले 3 महीने से कमर का दर्द है जो कि इनके लेफ्ट पैर में रेडिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इनको चलने में और खड़े होने में काफ़ी दिक्कत है। हाँ जी, तो इनको इंजेक्शन कितने पहले इंजेक्शन लगा था आपको? एक बार ही लगा। इनको एक इंजेक्शन लग चुका है, जिसके बाद से इनको 90% का रिलीफ है। तो फ्रेंड्स, हम इनसे जानते हैं कि इनको पहले क्या क्या दिक्कत थी, कब से थी, और अभी इंजेक्शन के बाद से इनको कितना रिलीफ है। मेरा नाम परमजीत सिंह है जी, मैं अच्छा, पंजाब तो पिंड संगर डसका जिला संगरूर तो रहने वाला जी। मैनू पिछले 3 महीनों तो लगातार लक दे विच दर्द हो के पूरी लत दे विच दर्द आउंदी सी, जिदे करके मैं 2 तो 3 कदम भी चल नहीं सी सकता ते नाल ही खड़ा भी नहीं सी हो सकता, पूरी लत दे उत्ते भार नहीं सी पैंदा। मैं एक दो जने दा सहारा लै के फिर चल पाउंदा सीगा। मैं पिछले 15 दिन होए हाले तकरीबन डॉक्टर साहब नूं मिले नूं, मैनूं पिछले 15 दिनों तो इन्हां ने इंजैक्शन एक ही लग्या हाले, ते 90% मैं बिल्कुल ठीक हाँ, चाहे 5 तो 6 किलोमीटर मैं तुर भी लैंदा और दो दो घंटे खड़ भी जाना। तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करदा जिन्ह ने मैनू तंदुरुस्त किया। इससे पहले आपने कहीं दिखाया था? इससे पहले मैं कई हॉस्पिटल जो अपने पंजाब दे विच ने गए, साडे हड्डियां दे हॉस्पिटल ने, उन्हां दे विच कई हॉस्पिटलां दे विच गया जी, जिथे मैनू कई कई दिन दवाई खवाई पर 1% भी किसी भी दवाई ने असर नहीं किया। फिर मैं यूट्यूब दे जरिए डॉक्टर साहब दा इत्थे जो हरियाणे दे विच गुड़गांव गुरुग्राम है जां पटौदी शहर है इहदे विच मैं आया, ते पहले दिन ही इन्हां ने मैनू इंजैक्शन दित्ता सीगा। जद मैं घरे गया 3 क दिनों दे विच मैं बिल्कुल 90 तो 95% बिल्कुल ठीक हो गया। अज मैं बिल्कुल ठीक हो के डॉक्टर साहब दा धन्नवाद करने वास्ते इत्थे आया। अभी चलने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, अभी मैं पहले तो 2 कदम भी चल नहीं पाता था, अब मैं तकरीबन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर चल सकदागा और लगातार 2-2.5 घंटे खड़ भी सकदा। पहला सिर्फ 2 मिनट खड़न नाल ही सारी लत दे विच दर्द ते भारीपन आ जांदा सी। चलते टाइम ऐसे था, झुक के चलना पड़ रहा है या फिर सहारा लेके चलना पड़ रहा है, नहीं, समझ लेते अब हो? तो ऐसी पहले था, जब मैं पहले आने से पहले टीका लगवाने से पहले मुझे दो जने उठाते थे और एक का सहारा लेके मैं चल पाता था, वैसे चल नहीं पाता था। अब मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूँ, बिल्कुल अपने सहारे पर 2-2 घंटे खड़ भी सकता हूँ तुर भी सकता हूँ। एक बार वॉक करके देखेंगे। अभी चलने में कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। आराम से मुझे चल हाँ पाते जी, हैं? बिल्कुल आराम से। अभी एक इंजेक्शन के बाद से 90% रिलीफ है आपको? हाँ जी, अभी बिल्कुल जी। 100% ठीक हो ही जाएगा आपको, है ना? हाँ जी, ठीक है, लेट जाओ, ऐसे लाइट चेक करते हो। पहले पैर कितना उठ पाता था आपको? ये पैर उठाओ, इसी पैर में दर्द नहीं हाँ होता जी, था हाँ जी, आपको? पहले सिर्फ इतना होता था जी। हड्डी पे आके पहले पेन था आपको, हाँ जी, इससे ज़्यादा दर्द पूरा होता था, अभी अब चाहे जितना मर्जी कर 90 हो लो जाते, तो 90 कोई के बात। बाद भी कोई डिफ नहीं है। तो हाँ जी, हाँ, फ्रेंड्स, पहले ऐसे लाइट 30 डिग्री पे आके काफी पेन था, और अभी इजीली 90 कंप्लीट कर पा रहे, इसमें कोई इनको इश्यू है नहीं, हाँ इधर जी, इस वाले पे कोई इसमें तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनको एक इंजेक्शन के बाद से 90% का रिलीफ है। SLRT भी इनका काफ़ी इंप्रूव है, चलने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये 3, 2 से 4 स्टेप के बाद इनको पेन बढ़ रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि 1 से 2 किलोमीटर चल लेते हैं इजीली, कोई इशू नहीं आता इनको। पहले इनको पकड़ के चलाते थे, अब ये बिना के सहारे के आराम से चल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की आपकी कोई समस्या है, आपके आपके जानने वाले इस तरह कोई समस्या है, शियाटिका प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है, फ्रंट शोल्डर है, शियाटिका है, और नी आर्थराइटिस है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम से शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर रिपोर्ट शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू सर।